कलाम के लिए मेरे भाई आलम निजामी को आवाज़ देने जा रही हूँ कि भूल कर भी अपने दिल की बात किसी से मत कहना, भूल कर भी अपने दिल की बात किसी से मत कहना, यहाँ कागज़ भी ज़रा सी देर में अखबार बन जाता है, यहाँ कागज़ भी ज़रा सी देर में अखबार बन जाता है। और मिल्लत के लिए, कौम के लिए इतने अच्छे अच्छे शेर कहते हैं आलम साहब, सुनिएगा, माइक पे हैं आलम साहब। मैं पेश करता हूँ दोस्तों, बहुत ज़्यादा मैं मुशायरेबाजी इसलिए नहीं कर रहा हूँ, जब पहली बार मैं हाजिर हुआ था और शेर की तमहीद में कुछ जुमले मैंने बोले थे, आसिफ भाई इस बात की गवाही देंगे, तो सामईन से आवाज़ आई थी कि आप शेर सुनाइए, तो इस तरह की शायरी यहाँ सुनी जाती है, तो मैं कुछ बोलना यहाँ मुनासिब नहीं समझता हूँ, मैं बगैर तमहीद के शेर पढ़ता हूँ, बस आप मेरी हौसला अफजाई फरमाएं। मतलब देखें आसिफ भाई, इरशाद। जहाँ भी जाता हूँ तेरी गली निकलती है, जहाँ भी जाता हूँ तेरी गली, जहाँ भी जाता हूँ तेरी गली निकलती है, जहाँ भी जाता हूँ तेरी गली निकलती है, न दिल से तू ना तेरी याद ही निकलती है, बहुत अच्छा, न दिल से तू ना तेरी याद ही निकलती है, जहाँ भी जाता हूँ। और ये शेर भी खास तौर से देखेंगे हजरात, बिछे के तुझ से ये दिल ही हमारा जानता है, बिछड़ के तुझ से ये दिल ही हमारा जानता है, हमारे होठों से कैसे हंसी निकलती है, हमारे होठों से। दोस्तों अगर शेर वाकई अच्छा है तो तालियां बजाकर मेरा हौसला बढ़ा दें आप हजरात। हमारे होठों से कैसे हंसी निकलती है, न दिल से तू ना तेरी याद ही निकलती है। और आसिफ भाई, ये शेर आपके हवाले से पेश कर रहा हूँ, मेरा दावा नहीं, यकीन है कि इस शेर पर इंशाल्लाह कोई खामोश नहीं बैठेगा, मुझे मोहब्बतें मिलेंगी। पेश करता हूँ, न जाने किसी की हवस का शिकार होने को, न जाने किसी की हवस का शिकार होने को, हमारी बस्ती से एक बेबसी निकलती है, हमारी बस्ती से, हमारी बस्ती से एक बेबसी निकलती है, न दिल से तू मशक तो करता हूँ दुश्मन पे सारी साजिश में, मशक तो करता, मशक तो करता हूँ दुश्मन पे सारी साजिश में, बराह रास्त मगर दोस्ती निकलती है, बराह रास्त। बहुत शुक्रिया, शुक्रिया साहब भाई, शुक्रिया, शुक्रिया, बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया दोस्तों। बराह रास्त मगर दोस्ती निकलती है,
न दिल से तू। बहुत खूब, बहुत शुक्रिया साज भाई, मैं शामिल करता हूँ आपके, उनकी पेश कर रहा हूँ। मैं शक तो करता हूँ दुश्मन पे सारी साजिश में, बराह रास्त मगर दोस्ती निकलती है न दिल से तू। दोस्तों ये एक तरह ही गजल है। कल अपने उस्ताद मोहतरम असीर उम्मीदी बुरहानपुरी साहब की याद में मैंने एक तरह ही नशीद का अहतमाम किया था, उसमें मिसरा था हर एक लब से एक रोशनी निकलती है, तो ये तज़मीन का शेर मैं पेश कर रहा हूँ। कल वहाँ बड़ी मोहब्बतें मुझे उस मुशायरे में मिली थी, तो उसी हवाले से मैंने सोचा कि ये गजल यहाँ मैं पढ़ दूँ। आसिफ भाई ये तज़मीन का शेर देखें आप। न दिल से तू ना तेरी याद ही निकलती है, किताबे हक की तिलावत मैं जब भी करता हूँ, किताबे हक की तिलावत मैं जब भी करता हूँ, हर एक लफ्ज से एक रोशनी निकलती है, हर एक लफ्ज से, हर एक लफ्ज से। बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत शुक्रिया आपकी समातों को, आपकी मोहब्बतों को सलाम पेश कर रहा हूँ। मतीन भाई बहुत खूबसूरत महफिल सजाई है आपने माशाल्लाह, इतने अच्छे सामईन को बुलाया आपने। मैं पेश करता हूँ बतौर खास मुलाजा फरमाए। किताबे हक की तिलावत मैं जब भी करता हूँ, हर एक लफ्ज से एक रोशनी निकलती है, हर एक लफ्ज से। बहुत शुक्रिया, मुझे आप सबकी दुआएं मिल रही, मोहब्बतें मिल रही हैं। और अब दोस्तों वो शेर मैं पढ़ने जा रहा हूँ कि आसिफ भाई आप यकीन मानिए कि हासिले मुशायरा था ये शेर, और मैं चाहता हूँ ये शेर पढ़ के अपनी जगह लेता हूँ, आप रात अपनी मोहब्बतों से मुझे नवाजें। देखिए साज भाई, अगर गजल जिस संजीदगी और जिस उसलूब का मतालबा करती है अगर उसका हक अदा हो गया हो तो मैं आपकी मोहब्बतें चाहता हूँ। न दिल से तू ना तेरी याद ही निकलती है, जहाँ भी जाता हूँ न जाने कितने ही दरियाओं के ताकुब में, न जाने कितने ही दरियाओं के ताकुब में, सफर पे रोज मेरी तशनगी निकलती है, सफर पे रोज मेरी तशनगी निकलती है, न दिल से तू ना तेरी याद ही निकलती है, जहाँ भी जाता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।